जी सर, मंडी से आपको टिकट दिया गया है। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत आपके सामने हैं। प्रचार काफ़ी कर दिया है उन्होंने, कब से प्रचार अभियान में जुट रहे हैं और क्या लग रहा है, मंडी सीट पर कांग्रेस फिर से काबिज होगी? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, मैं सबसे पहले तो पार्टी की जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है और प्रदेश की लीडरशिप है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था और मैं तो यहाँ पे शिमला ग्रामीण की जनता ने मुझे बड़े अच्छे मार्जिन के साथ दूसरी बारी जिता कर भेजा है और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और साथ ही प्रदेश सरकार में भी जो जिम्मेवारी मिली है उसकी भी जो है, मैं पूरे तरीके से लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में, शहरी विकास मंत्री के रूप में अपनी पूरी सेवाएं दे रहा हूँ। चाहे वो आपदा के समय में हमने रिकॉर्ड समय में सारे कामों को पूरा किया। अभी करीबन करीबन 3,000 करोड़ के सड़कों का निर्माण कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास किया। दिल्ली से पूरा सहयोग लेकर आए, अभी हाल ही में 150 करोड़ रुपए हम दिल्ली से लेकर आए और वो उससे भी जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। मगर जब पार्टी ने आदेश दिया है तो मैंने डे वन से कहा है कि मैं कभी भी किसी भी जिम्मेवारी से, किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता हूँ। जहाँ पर भी जो जिम्मेवारी मिलती है उस पर पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ते हैं और इस बारी भी हम पूरी पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र का मैं तो मैं वैसे भी बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी का तो समर्थन किया ही है, मगर मेरे परिवार का भी बहुत समर्थन किया है। करीबन 6 बार यहाँ से जो है, 3 बार मेरे स्वर्गीय पिताजी और 3 बार श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया है, तो निश्चित तौर से लोगों का बहुत प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम एक नई भूमिका में, जो मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है, हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे पांगी भरमौर है, हर क्षेत्र में जाकर लोगों का आशीर्वाद मांगा जाएगा, उनका समर्थन मांगा जाएगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे आज केवल प्रदेश की नहीं मगर पूरे देश की मीडिया की नज़र है। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस चुनाव को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं होने देंगे और यहाँ के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का, शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसकी उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन किसको, अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। मेरा तो वैसे भी उनके साथ मेरे परिवार का एक बड़ा पुराना रिश्ता रहा है क्योंकि जब 2007 में वीरभद्र सिंह सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर वो लेकर आए थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि आप पहला राज्य है हिमाचल के अंदर जहां पर धर्मांतरण का कानून देश के अंदर लाया गया है। तो इसलिए मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, आरएसएस के हमारे साथियों से, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों से, बजरंग दल के हमारे साथियों से, कि वो ये चिंतन और मंथन करें कि प्रदेश में जो आज खान और पीन का एक चर्चा चली हुई है उस पे उनका क्या रवैया है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रक्रिया है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी बात है, हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। चाहे वो अटल टनल, आज उसका नाम बेशक अटल टनल रखा है, उसमें 12,000 करोड़ की शुरुआती बजट जो है वो रोहतांग टनल के नाम से यूपीए सरकार ने दिया। आपके कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेनिंग हुई है, इसकी शुरुआत भी यूपीए के समय में हुई, हालांकि उसको पूरा वर्तमान सरकार के समय में करवाया जा रहा है। वैसे ही जो इंजीनियरिंग सॉरी मेडिकल कॉलेज नेर चौक के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, और वैसे भी जो आपका आईआईटी मंडी के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में रखेंगे। जो सेंट्रल जोन्स के ऑफिसेस, चाहे पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, मंडी के अंदर खोले गए, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जो चीफ इंजीनियर ऑफिसेज मंडी के अंदर खोले गए, ये भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में ये चीज़ें हुई। और खास करके आपदा के समय में,
ये मुझे दुख है इस बात का कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पूरे प्रदेश में आपदा में हुआ तो वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, मगर ये तो एक नेचुरल क्लैमिटी है। मगर उसमें हमने दिन रात, हमने करीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक उस क्षेत्र का लगातार दौरा किया, चाहे मनाली है, कुल्लू है, पतली कुल है, बंजार है, सैंज है, नेरचौक है, बल है, आपका लंबा थाज का इलाका है, थुनाक का इलाका है, भांवला का इलाका है, सरकाघाट का इलाका है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहां पर गया बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, और हमने दिन रात वहां पर रेस्टोरेशन का काम जो है वो सरकार के माध्यम से करवाया, रिकॉर्ड समय में सड़कों को खुलवाया। आपने अभी देखा पीछे करीबन हमने आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मशीनरियाँ खरीदी, करीबन 200 नए जो है JCBs टिप्पर्स जो है खरीदे गए, ताकि इस तरीके की जब आपदा आती है उसमें पूरी तरीके से सरकार विभाग जो है वो मजबूत रहे, इसका हमने प्रयास किया। रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस बनाए गए, पतली कुल जो मनाली के अंदर ब्रिज है जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रिकॉर्ड 48 घंटों के अंदर उसको बहाल किया गया, लेफ्ट बैंक को बहाल किया गया, क्योंकि उस समय पूरा कनेक्शन जो है वो मनाली के साथ टूट गया था, उसमें हम पूरे साथ लोगों के साथ खड़े रहे। और मुख्यमंत्री जी ने जो 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लोगों को दिया, जिसमें करीबन जो है आपका 36 करोड़ रुपए केवल कुल्लू जिला के लोगों को दिए गए, वैसे ही मनाली आपके मंडी के लोगों को दिए गए, जो आपदा में पहले केवल मात्र आपका 1.5 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। तो हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, और इसी सोच के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए है, हमने हमेशा पूरी मजबूती से केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया है, और जैसे हमने अपने विधानसभा क्षेत्र का या हिमाचल के मसलों को पूरी प्राथमिकता के साथ विधानसभा में उठाया, वैसे ही पूरे मजबूती के साथ हम अगर यहाँ से हमारी विजय होती है, जो हमें पूरा विश्वास है कि होगी, तो हम यहाँ के मुद्दों को पूरी बेबाकी के साथ केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो उठाएंगे, लोकसभा के अंदर उठाएंगे, और आपके मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका पूरे देश के अंदर बजेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक जयराम जी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं मंडी में, हर प्रचार रैली में कंगना जी के साथ दिख रहे हैं और आप पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि जिन्होंने रुलाया उन्हीं के नाम पर अब विक्रमादित्य सिंह वोट मांगने जाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, इनकी बातों से मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई चीज़ों पर हो सकता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी को ही बोलने का अधिकार है, बाकी के मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगी हुई है। सबको बोलने का भी अधिकार है, सही रूप से रखने के भी अधिकार है, और जो भी चीज़ें थी हमने हाईकमांड के समक्ष रखी है, और उन्होंने कहा है कि सब चीज़ों का निवारण किया है, और उसके बाद ही उन्होंने मुझे भरोसा जता कर यहां से पार्टी का नुमाइंदा बनाया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, और जयराम जी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे। सर जयराम जी ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा भी दिया आपने, और फिर प्रतिभा सिंह जी ने भी ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगी। वो अपनी चिंता करें ना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी चिंता उनको क्यों हो रही है। वो अपने विधायकों को संभाले, अपने जो यहाँ से विधायक गए हैं उनको संभाले, जो उसकी वजह से जो उनके पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है वो उसको संभाले। वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं, हम अपना काम खुद कर लेंगे जो हमने करना है, और हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनका जनाधार प्राप्त करेंगे और जीतेंगे। इसलिए वो अपनी चिंता करें, हमारे घर के अंदर जो है दूरबीन लेके क्यों देखी जा रहे हैं।